लोग आपके उस इस्तीफे के बाद लिख बोल रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग आपके आलोचक होंगे, जैसा मैंने कहा आपको जितने चाहने वाले हैं उतने वो आलोचना करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एक सेट तो पहले भी था जिसका 26% अंतर है, दोनों अब अडानी सेट आ गया, दोनों में अंतर है, बहुत चीजें बदल रही हैं। ये जो एक्विजिशन है और उनके होने के बाद एक्विजिशन तो नहीं, जो टेक ओवर है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, कौन कर रहा है, वो लोग अगर मुझसे उन्हें चिढ़ है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हर टेक ओवर को सिंपल टेक ओवर समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर या तो मेरी बिजनेस की कम समझ है या फिर उनकी ज़्यादा समझ है, यही बात हो सकती है। हर टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं होता है। पूंजीवाद में हर पूंजी प्रतिस्पर्धा की पूंजी नहीं होती है, कॉम्पिटिशन की पूंजी नहीं होती है, वेल अर्न पूंजी नहीं होती है। कुछ पूंजियां उस पूंजीवाद के बहुत विशुद्ध परिभाषा से बाहर की भी चीज़ें होती हैं। हम सब जानते हैं, समझते हैं कि इन्हें हम कभी हटा नहीं सकते, लेकिन चलते रहते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि बात अगर गर्दन से ऊपर आए तो फैसला लेना पड़ता है। लेकिन एक बात आपने कही कि हर टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं होता है, तो आप किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं पत्रकारिता और एनडीटीवी के संदर्भ में, क्योंकि ये बार बार लोग कहते हैं कि इतने चैनल्स में एक एनडीटीवी तो था, वही तो एक बचा था, अब वो भी गोदी सेठ की गोद में चला गया, और वो गोदी मीडिया जो आपने नाम आप ही ने दिया गोदी मीडिया। ऐसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया के ओनर हैं एग्जिस्टिंग वो गोदी सेठ नहीं है, वो भी है, है ना, वो सब हैं वहां पर। इसलिए एक आदमी के लिए नहीं कहा, अगर एक आदमी का के लिए कहना होता तो मैं नाम लेकर ही बोल देता फिर इसमें। लेकिन गोदी सेठ एक अवधारणा है, जैसे गोदी मीडिया एक अवधारणा है, और इन काली मर्सिडीज महंगी खूबसूरत गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी उम्मीदें, अपनी महत्वाकांक्षा या बहुत हौसला या बहुत अति उत्साह में ये बात मैं दर्ज कराकर इस दुनिया से जानना चाहता हूं कि बहुत सारे सफल लोग महंगी महंगी गाड़ियों में जो चमचमाते हुए आते हैं, भारत के लोकतंत्र की गर्दन पर सेब की तरह मीठी मीठी छुरी चला रहे हैं। जनता का अगर देखना चाहे तो देख ले, ना देखना चाहे तो ना देखे, मेरा काम है समय पर बोल देना, सो मैंने बोल दिया, क्योंकि एक अच्छा बुरा सब है। बहुत तरह की आलोचनाएं एनडीटीवी की भी होती हैं, है ना, वो लोग करेंगे, एनडीटीवी के लोग उसका जवाब देंगे, लेकिन एक बेंचमार्क था, थोड़ी बात चुभ रही थी ना कि भाई इनके जैसा नहीं है, उनके जैसा नहीं है, अब वो बेंचमार्क हट गया है। अब वो कह रहे हैं कि अल जजीरा बनाएंगे, तो आप अल जजीरा बनाएंगे, तो आप अल जजीरा को इंटरव्यू दे दीजिए, फिर आप दे देंगे अल जजीरा के एंकर को इंटरव्यू, तो फिर वो पूछ लेगा ना कि वाशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी है उसके बारे में आपका क्या कहना है। भारत की समस्याओं को तो आपने वैसे ही हिंदू मुस्लिम या इस तरह के और दूसरे फालतू विवादों से, फिल्म के गानों में हीरोइन ने क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह के मेकअप किए हैं, उसको लेकर आप डिबेट से आप भारत की समस्याओं को आप गायब कर रहे हैं। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए उसकी गंभीरता से भी बहस नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आप पहले ही कर रहे थे। अब उस भारत को भी गायब करके आप विदेश दिखाने के नाम पर आप घुमाते रहे जैसे